क्योंकि दैट इज द केस विच द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर रिगार्डिंग विच आई हैव इन इन डिटेल वन ऑफ वीडियो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा जरूर देखिएगा उस वीडियो के अंदर सो so, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है जो इस अनुबरवाल जजमेंट ने एक और एस्पेक्ट हमारे लिए खोल दिया था वो ये था राइट टू वोट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वोट राइट है एक फंडामेंटल राइट right है या फिर एक स्टैच्यूटरी राइट right है पहले तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि तीनों राइट किस किस प्रकार के होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जब हम लोग बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बेसिकली वो राइट्स होते हैं विच आर नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्ट थ्री द फंडामेंटल राइट्स बट आर प्रोवाइडेड इन अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जहां पे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं दोज आर द राइट्स विच आर प्रोवाइड इन द पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर द फंडामेंटल राइट्स और दीज राइट्स आर जस्टिस सीएबल आप इनको एनफोर्स करा सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अंडर टू टू सिक्स एंड आर्टिकल थ्री टू वहीं पे जो स्टैचुटरी राइट्स होते हैं वो राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी स्टेच्यूट यानी किसी लॉ की बदौलत आपको दिए जाते हैं वो लॉ जो कि पास करा जाता है लेजिस्लेचर से विच कैन बी द स्टेट लेजिस्लेचर एंड विच कैन बी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो ये तीनों राइट्स में ये फर्क है फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट थ्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लाए करते हैं अदर राइट्स

इसको फाइनल किया था और उसमें से एक जजमेंट थी जो कि पीयूसीएल की, की जजमेंट थी टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड फोर की जिसको अनाउंस किया गया था एल की के था था जिसका आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मल्होत्रा लर्न अडिशनल सोलिसिटर जनरल राइट टू वोट इज नॉट अंडमेंटल राइट बट इज मेयरली स्टेच्यू टी राइटेंट पेटिशन अंडर आर्टिकल थर्ट इज नॉट में रेफर टू दिसके अंदर कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन को मैंशन किया था एंड कोर्ट हैज बिन हेल्ड दैट इन वेरियस डिसीजन आप देख सकते हैं जिसमें कि पन्नूस्वामी है जिसमें आपका जो इंपॉर्टेंट केस था कुलदीप नायर है देन यू हैव कृष्णमूर्ति जिसके अंदर कोर्ट हैव कैटेगोरिकली सेट दैट राइट टू वोट ज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इज मेरली अस्टैचूटरी राइट तो आज तक राइट टू वोट को हम लोग स्टैच्यूटरी राइट बोल रहे थे बट दिस अनुपरन वॉज इज यूनिट ऑफ इंडिया जजमेंट हैव स्ट्राइक् राइट टू वोट एज दी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पावर्ड बाल थ्री टू सिक्स बेसिकली आर्टिकल थ्री टू सिक्स के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स ने हमें एडल्ट सफरेज का कंसेप्ट दिया था और उसके अंदर बताया गया था कि कोई भी इंडियन सिटीजन Which is not barred by the uh, any any kind of uh, law. If he is above the age of 18, he is guaranteed and he shall have the right to vote. तो right to vote जो है वो guaranteed किया गया था 18 plus किसी भी Indian citizen को जिसको कोई और law ये कोई uh, law जो है वो barred नहीं करता vote करने से उस व्यक्ति को एडल्स सफरेज कंसेप्ट के अंदर थ्री टू सिक्स के अंदर यह बात बोली गई थी बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात के होने के बावजूद बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स ने इस को स्टेच्यूटरी राइट right बताया विच इज पावर्ड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बट इस अनु वर्ल्ड जजमेंट के अंदर जो पांच जजेस उनमें से चार जजेस ने मेजोरिटी में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होल्ड किया जिसमें से एक जज जस्टिस रस्तोगी जी ने तो उसे फंडामेंटल राइट तक ले जाने की कोशिश करी बट चार जजेस ने इसको राइट right पे रह करके रेफरिंग किया उन जजेस ने क्या किया आइए मैं आप लोगों को आ, क्या बोला पढ़ के सुनाता हूं दे एट दिस Such person, as it indicated in Article 326, indeed has a right which can be said to be a constitutional right, which may be right subject to the restrictions. Section 62.1 of the 1951 Act, as we have noticed, give also the right to vote to such person. Any other interpretation would vital down the gra grand object of conferring adult suffrage on citizens. Any yani category said any other interpretation would vital down the grand object of the conferring of adult suffrage suffrage on citizens. So they have categorically says they have demystified article 326 of Indian constitution they found that if a person is citizen of India and not below 18 years of age and uh, and and if he, he does not incur the disqualification prescribed in article 326 he becomes entitled to be entered in the electoral role and that is a constitutional right. So till today the PUCL and Kuldeep Nahar judgments ne जिस प्रकार से हमारे राइट टू वोट को स्टैट्यूटरी राइट right तक ही सीमित रखा था अनु बर्नवाल जजमेंट द स्टेटस एंड हैव चेंज पेंडुलम शिफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट व्हेन इट कम्स टू द राइट टू वोट बट इज इट ओवर क्या यही खत्म हो जाएगा यहां पे या इसमें और भी ट्विस्ट आने बाकी हैं इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और आया है और अभी उस पर बात नहीं हुई उसको उसको कहीं पे जाके हमारे सीजीआई ने एक्सप्लेन भी नहीं करा है बट हमारे सीजीआई ने एक पीआईएल आई को सुनते हुए ऑन सेकेंड ऑफ मार्च को एक रिमार्क के रूप में उन्होंने बहुत ही आ, बड़े ही कैंडिड तरीके से जो हमारा राइट टू वोट है उसका कंपैरिजन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आर्टिकल नाइनटीन के अंदर कर दिया उन्होंने उसका कंपेरिजन कर कि राइट टू वोट इज इज कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते राइट विच इज गिवन टू अस अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन ए इज सिक्योर्ड बाय आर्टिकल नाइनटीन वन ए विच इज फ्रूड स्पीच एंड एक्सप्रेशन सो ही हैव अ राइट बिट कॉन्स्टिट्यूशन टू द फंडामेंटल राइट ब्योरा बट बिकॉज इट वॉज अ रिमार्क एंड ही जजमेंट इन ही पार्ट ऑफ द जजमेंट एंड ही हैव नॉट एलेबोरेटेड ऑन इट तो स्टिल वी विल कीप आर सेल्फ आउट ऑफ इट बट सी जी आई ने और जस्टिस जस्तोगी जी ने बहुत ही कोशिश करी जैसे की जी ने कोशिश करी हमारे अनुप बर्नवाल केस के अंदर सी जी आई जी ने भी फंडामेंटल राइट right की तरफ राइट टू वोट को ले जाने की कोशिश करी है तो क्या दिस गेम हैव मोर थिंग्स इन स्टॉक फॉर अस और इज इट अ एंड कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right के साथ हम राइट टू वोट का एंड कर रहे हैं या फिर अभी और भी कुछ इसमें जजमेंट्स uh, आ सकते हैं इन फ्यूचर और इसमें और इंप्रूवेंट हो सकती है और राइट टू वोट फंडामेंटल राइट बन सकता है दैट वी हैव टू सी बट स्टिल At this date today as if we are clear that right to vote is a constitutional right is not more a statutory right and the landmark judgment of Anup Banwal which have given us the collegium system for the selection or appointment of the CEC and EC have also given us another important judgment which talks about the right to vote as a constitutional right. So, दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझाई हो और आप लोगों को अब क्वेश्चन थोड़ा सा और डिमिस्टिफाई हुआ हो कि राइट टू वोट वेदर इज अस्टिट्यूशन राइट वेदर इट इज स्टैच्यूटरी राइट और वेदर इट इज अ फंडामेंटल राइट आंसर इज इट्स अन्स्टिट्यूशन राइट एज ऑफ टूडे